आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अमेजोन से वॉलेट हॉल। सो यस, रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ अमेजोन हैंडबैग हॉल शेयर किया था। उसके अंदर मैंने कैप्रेजी एंड बैगिट के हैंडबैग्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उसमें मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ एक वॉलेट हॉल भी हम लोग के साथ शेयर कीजिए। तो इस बार मैंने सारे वॉलेट अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लाइक बैगिट, कैप्रेजी, लावी, इन सब के ही परचेज़ किए हैं, क्योंकि ब्रांड की चीज़ एक बार मंगवा लो, 2-3 साल आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट आप बोर होके खुद छोड़ते हो उसको, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड से है, काफ़ी नॉमिनल प्राइस के, ऐसे भी नहीं कि 1000, 1500, 2000 के वॉलेट है। आई थिंक सारे अंडर 500 to 600 है, जो कि इजीली सारे अफोर्ड कर सकते हैं। तो लिंक्स मैं नीचे सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इन केस अगर आपको परचेज करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेकआउट कीजिए, विथ प्राइस एंड डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो या चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सो या लेट्स गेट। फर्स्ट वॉलेट है दैट इज़ फ्रॉम ब्रांड कैप्रेजी, और ये मिलता है कुछ इस तरह का वॉलेट। सी द कलर कॉम्बिनेशन, काफ़ी प्यारा सा एक टैन कलर जो होता है ऑरेंज टोन के अंदर, वैसा इसका कलर है। सो साइज़ आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी साइज़ है, बट इसकी थिकनेस आप देखो एकदम फ्लैट है। तो ये ना आप अगर अपने पर्स वगैरह में रखोगे, अपने हैंडबैग में रखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेगा, काफ़ी स्लिम सा है। सो ये यहाँ से ओपन होता है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपना कैश रख सकते हो, इनफैक्ट आप यहाँ पे भी अपना कैश रख सकते हो। बाकी अलग से आपको यहाँ पे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आपका आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह जो भी आपको रखना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने सारे कंपार्टमेंट्स है। सीधे यहाँ पे आप अपनी फोटोज़ वगैरह जो भी आपको रखना है, तो कंपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है कैश रखने के लिए, कार्ड्स रखने के लिए। एंड उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से बंद करोगे, पीछे आपको मिल जाती है एक बहुत अच्छी स्पेस के अंदर जिप। तो यहाँ पे आप देखिए अंदर आपको इतना स्पेस मिलता है। तो इनफैक्ट आप अपना सेलफोन भी इसके अंदर रख सकते हो, अगर आपको कॉइन वगैरह रखना है तो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। सो इसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब अगर आप ऐसे पर्सन हो कि आपको एक ही वॉलेट के अंदर सेलफोन भी रखना है, कैश रखना है, कार्ड रखना है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्लिम भी है, अगर आप हाथ में भी लेके इसको मार्केट वगैरह जाओगे तो भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा। एंड ब्रांड इज़ कैप्रेजी, एंड ये जो मटेरियल है इसके ऊपर, ये पूरा फॉक्स लेदर में है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट टच लेता है। एंड आई थिंक आपको देख के ही फील हो रहा होगा इसका मटेरियल कितना ज़्यादा सुपर्ब है। सो या गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज। एंड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ अंडर 500, एंड इनफैक्ट अभी बहुत अच्छी सेल चल रही है। मैंने जिस प्राइस में परचेज किया है उससे भी अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है प्राइजेस। तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर। वॉलेट है दैट इज़ फ्रॉम ब्रांड लावी, एंड दिस इज़ द वॉलेट गाइज। सी द कलर एंड इट्स टेक्स्चर, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी पीस ये मुझे लगा। सो बेसिकली आपको यहाँ से इसको ओपन करना है, एंड ये आपको 3 फोल्ड वॉलेट के साथ मिलता है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर भी। यहाँ पे आप अपना कैश रख सकते हो, ये आप स्पेस देखो कितनी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आप अपना कैश रख सकते हो, यहाँ पे आप आपके सारे कार्ड्स वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कंपार्टमेंट्स हैं। एंड तो बेसिकली इसमें आपको किसी भी तरह की जिप वगैरह नहीं मिलेगी, ये सिर्फ यहाँ पे कंपार्टमेंट्स है, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स है, और यहाँ पे कैश रखने के लिए दिया है। काफ़ी लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जिप वगैरह की नीड नहीं होती है, सिंपल सा वॉलेट चाहिए जस्ट उनको कैश एंड कार्ड रखने के लिए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। टेक्सचर काफ़ी प्रिटी है इसका, एंड इनफैक्ट इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, बट मैंने ये ब्लू कलर के अंदर पिक किया है। एंड सी द टेक्सचर गाइज, बहुत प्यारा पीस है ये, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, हाथ में भी आप रखोगे तो बहुत प्रिटी लुक आएगा इसका। सो या दिस इज़ माई सेकेंड। नेक्स्ट मेरा वॉलेट है दैट इज़ फ्रॉम ब्रांड बैगिट, और ये है बहुत छोटू सा एक वॉलेट। काफ़ी लोग होते हैं जिनको बहुत बड़े बड़े वॉलेट रखने की नीड नहीं होती है, बहुत छोटू सा एक वॉलेट चाहिए जिनको अपने हैंडबैग में रख दो। सो ये कुछ उसी तरह का है। एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड बैगिट, एंड ये जो मटेरियल है दैट इज़ फॉक्स लेदर। फ्रंट में आपको ये पूरा लेदर मिल जाएगा, एंड बैक साइड में ये इस तरह के टेक्सचर के अंदर है, जो फैब्रिक वाला टेक्सचर आता है वैसा है। तो बेसिकली आपको यहाँ से इसको खोलना है, एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। सो रिसेंटली मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपने सारे कार्ड्स वार्ड्स, आधार कार्ड वगैरह इसके अंदर रख लिए। तो यहाँ पर आप अच्छा अपना कैश रख सकते हो, कैश के लिए एक अच्छा सा कंपार्टमेंट दिया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं अपने कार्ड्स वगैरह रखने के लिए। एंड जब इसको आप फोल्ड करोगे तो बैक साइड में आपको ये जिप मिल जाएगी छोटी सी, तो यहाँ पे आप अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हो। सी, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटू सा है। इनफैक्ट अगर आप जीन्स वगैरह पहन रहे हो तो भी आप अपने बैक पॉकेट में इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। इज लिटरली वर्थ बाइंग। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है और बहुत छोटू सा है, से दिस मतलब इतना छोटू सा है ना कि यार लगता भी नहीं है। मतलब मैंने अपने छोटू से स्लिंग बैग में रखा हुआ है ना, फिर भी मुझे इसका वेट बिल्कुल नहीं लगता है और ईजिली मैं इसके साथ कैरी कर सकती हूँ उसको। काफ़ी कम प्राइस का, आई थिंक 350-400 रुपये का है, बैगिट ब्रांड का है और काफ़ी मतलब मेरा पर्पज़ बहुत अच्छा सॉल्व कर रहा है। जिप भी है तो कॉइन वगैरह रखने में और कैश वगैरह रखने में बहुत ईजी है। नेक्स्ट पीस है गाइज वो एक वॉलेट कम स्लिंग बैग है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको वॉलेट हाथ में रखना पसंद नहीं होता, उनको चाहिए कि छोटा सा स्लिंग बैग हो तो वो एज ए वॉलेट उसको यूज़ कर सके। सो या दिस इज माई नेक्स्ट परचेज। ये थोड़ा सा डर्टी हो रहा है क्योंकि मैं कल मार्केट गई थी तो इसको लेके गई, और ये है ब्रांड बैगिट से। तो यहाँ पे आपको एक जिप मिल जाती है, तो ये इतनी बड़ी जिप है कि आप अपना सेल फोन, अपना वॉलेट भी इसके अंदर रख सकते हो। ये मैंने इस वीडियो में क्यों इंक्लूड किया है, वैसे ये स्लिंग बैग है बट इसको ना आप एज ए वॉलेट भी कैरी कर सकते हो। एंड लिटरली अगर आप वॉकिंग वगैरह पे जा रहे हो, आपको कैश भी रखना होता है, अपना फ़ोन भी रखना होता है, घर की कीज़ भी रखनी होती है, तो आप ये वाला कैरी करके तो अपना वॉक जॉगिंग वगैरह नहीं कर सकोगे, तो ये वाला काफ़ी कन्वीनियंट होता है। बैक साइड में आपको ना ये जिप भी मिल जाती है, तो यहाँ पे आप अपने घर की कीज़ या कैश वगैरह रख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर सेलफोन भी आ जाएगा एंड उसके बाद आप अपना ये जो छोटू सा वॉलेट है वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो। सो से दिस मतलब ईजिली सिप भी बंद हो जाएगी एंड काफ़ी अच्छा है, ऑप्शन है। एक स्लिंग बैग ले लीजिए, एक वॉलेट ले लीजिए, एंड इनफैक्ट अगर आप वॉलेट नहीं भी लेना चाहते हो, अगर ये नहीं आपको परचेज़ करना है तो आप कैश वगैरह यहाँ पे पीछे भी रख सकते हो। तो ये ऑप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और इनफैक्ट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी, तो मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो में इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको ये स्ट्रिप मिल जाती है, तो आप ईजिली अपने शोल्डर वगैरह पे हैंग करके और ईजिली वॉक वगैरह कर सकते हो। तो इसके अंदर भी गाइस कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए। ये भी आई थिंक 500-550 समथिंग का कुछ है, बट यस काफ़ी प्यारा पीस है एंड इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है, एकदम लेदर मटेरियल में है। तो लुक वाइज भी काफ़ी प्रिटी है और इस तरह से स्टैंड होके बहुत प्रिटी लगता है ये। तो यार दिस इज माई नेक्स्ट परचेज गाइज, दैट इज फ्रॉम ब्रांड ज़ूक, और ये मिलता है आपको कुछ इस तरह का वॉलेट, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है और यहाँ से आपको इसको खोलना होगा। तो ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है बट इसका स्पेस काफ़ी अच्छा है। अंदर आप देखिए कितना अच्छा वाला स्पेस है। तो आपको अगर कैश वगैरह बहुत ज़्यादा रखना होता है अपने पास और बड़े बड़ा सा वॉलेट चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये पूरा अंदर की साइड आपको लेदर मटेरियल मिल जाता है, अच्छे वाले कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे भी साइड में भी है, फ्रंट में भी आपको यहाँ पर कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, इस साइड में भी है, यहाँ पर भी है। तो बहुत अच्छे मतलब बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड के अच्छे ऑप्शन हैं। एंड उसके बाद ना यहाँ से 3 फोल्ड वाला है, ये भी इस तरह से आपको 3 फोल्ड करना होगा और यहाँ पे एक छोटू सा बटन दिया हुआ है, इससे बंद करना होगा। एंड बैक साइड में आपको ये इतना अच्छा स्पेस मिल जाता है, तो यहाँ पे आप कॉइन्स, अपने घर की कीज़ और भी आपको कुछ भी तामझाम वगैरह रखना हो तो ईजिली आप रख सकते हो। ये बहुत अच्छे वाले स्पेस में है, सी द स्पेस गाइस। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने वॉलेट में काफ़ी चीज़ें रखने का शौक होता है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एंड लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रंट में पूरा फैब्रिक लगा है बट ये जो साइड की डिटेलिंग है सारी ये आपको लेदर में मिल जाती है, तो लुक वाइज ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो या गाइज ये थे कुछ वॉलेट जो रिसेंटली मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, यूजफुल है, कन्वीनियंट है एंड मोरओवर जो हमारा पर्पज़ होता है वॉलेट रखने का वो अच्छे से पूरा सॉल्व करेंगे। सो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कर लीजिए, लिंक्स मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं गाइस अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।